अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी। आज बनाते हैं किशमिश पुलाव विथ फ्राइड बीफ। किशमिश पुलाव विद बीफ फ्राई बनाने के लिए मैंने 1 केजी बीफ लिया है। तकरीबन 1 इंच के चंक्स जो है 1 इंच के टुकड़े हैं बीफ के, बोनलेस हैं। और उसके अंदर मैंने थोड़े से चर्बी के पीसेस भी लिए हैं क्योंकि इसमें फैट जो है या चर्बी जो है वो फ्राई करते वक्त इसमें अच्छी लगेगी, उसका टेस्ट अच्छा आएगा। 1 टीस्पून उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून जीरा पाउडर है। ये सारी चीज़ें मैंने एक बर्तन में मिक्स करना है और गोश्त को मैंने बॉईल करना है। गोश्त मैंने एक बर्तन में डाल दिया, उसमें मैंने 4 ग्लास पानी डाला है। अब उसके अंदर ये मसाला जो है वो मैंने डाल देना है, गरम मसाला, जीरा पाउडर, ये दोनों डाल देना है। उसके बाद मैंने उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और मैंने इसको बॉईल करने रखना है। इसको मैंने ढक्कन लगा के बॉईल करना है तब तक जब तक ये अच्छे से टेंडर ना हो जाए। मैं इसको कुकर में इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पीसेस बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कुकर में भी गला सकते हैं। और मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे इसकी यखनी जो होती है, जो इसका सूप होता है, वो मुझे राइस के लिए चाहिए, इस वजह से पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है। आइए अब हम किशमिश पुलाव की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने 1 किलो राइस यहाँ पर भिगा दिया है। उसके बाद मुझे उसमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर लिया है, 1/2 कप मैंने किशमिश जो है वो भिगा दिया है थोड़ा सा पानी में, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था इस वजह से मुझे भिगाना पड़ा, अदरवाइज़ इसको भिगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वॉश करके आप ले सकते हैं। 5 से 6 हरी मिर्ची लेना है, जितनी आपको ज़रूरत हो। 2 प्याज मैंने मीडियम साइज़ के स्लाइस कर लिए हैं। और ये जो है उस गोश्त का उबला हुआ पानी है, मैं आपको बता दूं, ये गोश्त है वो जिसको मैंने थोड़ी देर पहले उबालने रखा था, और उबलने के बाद अब गोश्त जो है बिल्कुल टेंडर हो गया है, उसका पानी या उसकी यखनी जो है वो मैंने निकाल कर रख ली है, ये मैंने पुलाव में इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने घी लिया है, तकरीबन 1/4 कप से 1/3 कप तक घी इस्तेमाल करना है, पुलाव में घी जो है ज़्यादा अच्छा लगता है। और नमक जो है वो मुझे हसब ज़रूरत लेना है। 2 ड्राई लेमन मैंने लिए हैं। बर्तन मैंने चूल्हे पर रख दिया है जिसमें मैंने बनाना है, उसके अंदर सबसे पहले मैं घी डाल रही हूँ, तकरीबन मैंने 1/4 कप से 1/3 कप के करीब, 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है उतना घी मैंने डाल दिया है इसमें। घी जब गर्म हो जाए तब मैंने उसके अंदर ये अनियन डाल देना है, अनियन को हम थोड़ा सा अच्छा फ्राई करेंगे, उसको गोल्डन ब्राउन होने तक, उसका थोड़ा कलर चेंज होने तक उसको पकाएंगे। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन होने पर आ गया है, ऐसे वक्त में मैंने इसके अंदर ये हरी मिर्च जो है ये डाल देना है। उसके साथ मैंने इसमें ये गरम मसाला पाउडर जो रखा है ये भी डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर ये जो पानी जो निकाला था मैंने यखनी का, जो स्टॉक निकाला है बीफ का, वो मैंने इसमें डालना है। मैं काउंट करके डाल रही हूँ कि कितने कप हैं ये टोटल 3 कप पानी जो है स्टॉक इसके अंदर मैंने डाला है। अब मुझे जो है, क्योंकि चावल मैंने 1 केजी भिगाया था तो इस वजह से ये 3 कप पानी उसमें कम पड़ेगा, तो मैंने और पानी डालना है, 3 कप और पानी डालना पड़ेगा। ये 3 कप और पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद अब मैंने इसमें ये जो लेमन लिए थे ड्राई लेमन, इसको मैंने थोड़ा सा कुचल दिया है, ये देखिए ये खुल गए हैं ऐसे, ताकि उसका पूरा टेस्ट आ जाए। ये मैंने इसमें डाल देना है, ये देखिए ये मैंने इसमें डालना है। और उसके बाद अब मैंने इसको ढक्कन लगाकर बॉईल आने तक इसको पकाना है। पानी में बॉईल आ चुका है, ये देखिए अब मैंने उसके अंदर चावल डालना है। चावल का पानी मैंने फेंक दिया और अब ये चावल मैं इसमें डाल रही हूँ। ज़रूरत के हिसाब से उसमें नमक डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद अब इसको बॉईल आने देते हैं, चावल में जब तक बॉईल ना आ जाए तब तक ढक्कन बंद रखते हैं। चावल में का पानी तकरीबन सूख गया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने दूसरी तरफ एक बर्तन में थोड़ा सा घी डाला है, जब ये घी गर्म हो जाए तब मैंने उसके अंदर ये किशमिश जो है ये डाल देना है और उसको हल्का सा मुझे भून लेना है। बहुत
ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा मुझे उसको चलाना है, थोड़ा सा भूनना है। ये आप देख सकते हैं ये रेजिन सब थोड़े फूलने लग गए हैं, ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा चेंज होने लग गया है और थोड़े से फूलने लग गए हैं। बस आधा से एक मिनट इसको भूनने के बाद अब मैंने ये उठाकर इस राइस पे डालना है, घी के साथ डाल देना है और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है इस राइस के अंदर। इसको मैंने पूरा मिक्स कर लिया है और अब मैंने इसको ढक्कन लगाकर बिल्कुल धीमी आंच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट दम पर पकाना है। अब हम फ्राइड बीफ बनाते हैं। ये देखिए ये उबला हुआ गोश्त मैंने जो बॉईल किया हुआ था वो यहाँ पर रखा है, मैंने छान कर रखा है। इसका पानी मैंने पुलाव के लिए, किशमिश पुलाव के लिए इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर मैंने चार बड़े अनियन को बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है, ये आप देख सकते हैं ये तकरीबन 1 इंच के साइज के ऐसे बड़े बड़े टुकड़े कट किए हैं मैंने। यहाँ पर दो बड़े कैप्सिकम को भी मैंने वैसे ही बड़े बड़े साइज में कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लेना है, तकरीबन क्वार्टर कप के करीब जो है वो घी लेना है, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से सॉल्ट लेना है। अब इस बड़ी सी कढ़ाई में मैंने घी डालना है पहले, घी जब गर्म हो जाए तब मैंने ये गोश्त जो बॉईल किया हुआ है ये मैंने उसमें डालना है। और उसको मुझे अच्छे से भूनना है, तब तक भूनना है जब तक गोश्त जो है वो थोड़ा सा कलर ना ले ले, क्रिस्पी ना हो जाए चारों तरफ से। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको भूना है, आप देख सकते हैं कि इसका अभी तक कलर चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब मैंने और 2-3 मिनट इसको और भूनना है। पूरे 5 मिनट इसको मैंने घी में भूना है और उसके बाद अब ये तकरीबन तैयार है। मैं आपको बता दूं इसका कलर जो है जो चेंज हो गया है, ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से भुना गया है, ये देखिए ऐसे जो है ये भुना जाना चाहिए, चारों तरफ से अच्छे से भुना हुआ कलर उसका आ जाना चाहिए। अब उसके बाद मैंने इसमें ये जो अनियन मैंने कट करके रखी है ये मैंने डालना है इसमें। अनियन के साथ साथ मैंने इसमें सॉल्ट भी डाल देना है, जरूरत के हिसाब से डालना है और इसको भूनते रहना है। ये जो कैप्सिकम मैंने कट करके रखा है ये भी मैंने इसमें डालना है और उसको भी मैंने अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट मैंने और इसको भून लिया है। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर फाइनल इंग्रेडिएंट ये ब्लैक पेपर पाउडर जो है ये मैंने इसमें डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और कंटिन्यू मैं इसको भूनती जा रही हूँ, कंटिन्यू मैं इसको चलाती जा रही हूँ। तकरीबन 2-3 मिनट मैंने और भून लिया है इसको। अब इसको ढक्कन लगाकर मैंने 2 से 3 मिनट पकाना है और फिर चूल्हा बंद कर देना है। 2 से 3 मिनट दम पर रखने के बाद अब देखिए ये गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी तरफ हमारा ये जो किशमिश पुलाव है ये भी तैयार है, ये देखिए ये भी अच्छे से दम पर हो गया है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी किशमिश पुलाव विद फ्राइड बीफ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको बनाइए और इसका मज़ा लीजिए। ये इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है, इसको चटनी के साथ सर्व कीजिए अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। और अगर स्पाइसी नहीं खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा खाना है, इसको घर पर ज़रूर बनाइए। ये डिलीशियस किशमिश पुलाव फ्राइड बीफ के साथ आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्वीट एंड स्पाइसी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।